पढ़ोगे त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम है जिसे साबित करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री बोले हैं ना। कोई भी त्रिभुज बनाओ, मान लेते हैं तू समकोण त्रिभुज बनाओ तो पर भी तीन कोणों का योग 180। समद्विबाहु बनाओ, समबाहु बनाओ, विषमबाहु बनाओ, कोई भी त्रिभुज, त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180। तो मान लो त्रिभुज के बदले कोई दूसरी आकृति दी गई हो, तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, तो इसी तरह चार भुजा से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहेंगे जी। पांच भुजा से घिरे क्षेत्र को पंचभुज, दस भुजा से घिरे क्षेत्र को दशभुज कहेंगे, बतलाए हैं ये सब हम। सौ भुजा से घिरे क्षेत्र को सौ भुज कहेंगे, है ना जी। तो मान लो तुमको बीस भुज खींचना है, तो बीस भुज किसे कहेंगे, तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो बीस जोड़ भुज, भुज मतलब भुजा, बीस भुजाओं से घिरे क्षेत्र को बीस भुज कहेंगे, पांच भुजाओं से घिरे क्षेत्र को पंचभुज कहेंगे, छह भुजाओं से घिरे क्षेत्र को अष्टभुज कहेंगे, अनंत भुजाओं से घिरे क्षेत्र को अनंत भुज कहेंगे, है ना ऐसी बात। तो मान लो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर 20 भुजाओं से घिरा कोई क्षेत्र हो, जैसे 20 भुज तुम लोगों को बनाना है, तो मार्कर को या लीड कलम को कहीं नहीं कॉपी पर से उठाना है, ऐसा क्षेत्र जो 20 भुजाओं से घिरा हुआ हो उसे 20 भुज कहेंगे। तो एक भुजा, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, कहीं नहीं उठाना पड़ा। इसमें बीस भुजा है वास्तव में। तो सौ भुज भी बनाना हो तो सीधे बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं बगैर कलम उठाए। तब ये कैसा क्षेत्र है, तो बीस भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। नाम अगर दे इस तरह रखते जाएंगे, है ना, हर एक बिंदु पर 20 ठो बिंदु होगा, तो 20 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को 20 भुज कहेंगे। तो इस 20 भुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। कोण दो तरह के होते हैं, एक अंदर वाले कोण और एक बाहर वाले कोण। तुम लोगों को बतलाए हैं ना त्रिभुज के ये परिभाषा में, समकोण त्रिभुज में भी बतलाए हैं। अंतः कोण मान लो ए बी सी कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र, क्षेत्र यानी जगह, इतना जगह हो गया त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंदर में ये कोण बना और ये बना और ये बना, तो त्रिभुज के अंदर में बनने वाले कोण अंतः कोण कहलाएंगे। और त्रिभुज के हरेक शीर्ष पर, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, अंतः कोण तो बन ही रहा है, प्लस बाहर से भी तो ये कोण बनता है ना। तो ये बहिष्कोण हुआ, तो बाहर वाले कोण बाह्य कोण या बहिष्कोण कहे जाते हैं। ये सब की चर्चा हो चुकी है। तो त्रिभुज के तीन अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसी तरह मान लो ये 20 भुज है, तो 20 भुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। 20 भुज के बदला तुमको 100 भुजा से घिरे क्षेत्र का कि अंतः कोणों का योग पूछा जाए, तो कैसे जानोगे कितना होगा। फार्मूला तो पढ़ करके भुला जाओगे, लेकिन मैथ तब अच्छा होता है जब स्वयं फार्मूला पैदा कर लो अपने से। तो इसमें अपने से हम लोगों को ज्ञात करना है, आखिर मान लो ये 20 भुजा है, 20 लाख भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र के अंतः कोणों का योग कितना होगा, इसे निकालना है, तो कैसे निकाला जा सकता है। तो फिलहाल तो मान लो 20 भुजा का ही उदाहरण लो, तो चलो हम लोग छोटे से बड़े उदाहरण की ओर बढ़े।
फिलहाल 20 भुज में अंतःकोण कौन कौन सा होगा तो देखो, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, देख रहे हो ना, पांचवा, छठा, सातवा, इसी तरह बनाओगे ना तो 20 भुजा है तो 20 अंतःकोण बनेगा, समझ गया? तो इसी सभी अंतःकोणों का योग कितना है या कितना होगा तो इसी को ज्ञात करना है। 20 भुज ही नहीं बल्कि अनंत भुजाओं से घिरे क्षेत्र के अंतःकोणों का योग अगर कहा जाए निकालने तो ये कितना होगा, तो तमाम का आंसर जो बतलाने जा रहे हैं उसी में छिपा हुआ है। देखो ये 20 अंतःकोण हो गया, इसी 20 अंतःकोणों का योग गिनती करोगे तो 20 होगा। अंतःकोणों का योग कितना होगा तो छोटा उदाहरण से बड़े उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। मान लो ये त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री, इसको मान करके हम लोग फिलहाल चलें। तो अब चतुर्भुज के चार अंतःकोणों का योग कितना होगा तो मान लो ये ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है, इसमें चार अंतःकोण है ना, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चार अंतःकोणों का योग कितना होगा तो अगर इसे हम त्रिभुज में बांट दे तो यहाँ कितना त्रिभुज, तीन त्रिभुज, दो ही त्रिभुज, दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज डी सी डी। तो पहला त्रिभुज के जैसे पहला त्रिभुज का पहला अंतःकोण ये और ये डबल लकीर वाला से जो घेरे हैं, पहले त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होगा 180, तो इसके तीन कोणों का योग हो गया 180। अब इसको भुला जाओ, इस त्रिभुज डी सी बी के तीन कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। तो एक चतुर्भुज को अगर हम दो भाग में बांटते हैं तो दो त्रिभुज बनता है जी। तो दो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग तो पहले के अंतःकोणों का योग 180 हुआ ना जी। इसके बाद ये पूरा कोण दो भाग में बट गया तो दूसरे त्रिभुज का ये कोण ये और ये कोण मिलाकर के 180, तो 180 360 डिग्री होगा जी। तो इसका अर्थ ये हुआ चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना 360 डिग्री। ये हुआ चतुर्भुज की कहानी। अब आ जाओ पंचभुज, पंचभुज के अंतःकोणों का योग, पंच यानी पांच, जोड़ भुजा, पांच भुजा से घिरे क्षेत्र को पंचभुज कहेंगे। तो मान लो एक भुजा, दो भुजा, कितना भुजा है, पहला भुजा ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ई, पांचवा ई ए, पांच भुजा है जी। तो इस पांच भुजा से घिरे क्षेत्र के अंतःकोणों का योग कितना होगा, इसे तू त्रिभुज में बांटो, अगर इसको मिला दिए तो एक त्रिभुज, इधर मिला दिए ये दूसरा ये तीसरा, तीन त्रिभुज में बट गया। तो ये पूरा कोण जो है ये कोण ए जो कोण बी यानी इस पंचभुज का कोण जो अभी हम घेर रहे हैं, पंचभुज का पहला कोण ए, दूसरा कोण बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, है ना। ये तमाम ये आकृति कितने भाग में कितने त्रिभुज में बट गया, तीन। तो पहला त्रिभुज का इतना कोण और ये कोण और प्लस ये कोण 180 होगा। त्रिभुज ए बी सी के तीन कोणों का योग अंतःकोणों का 180। अब पहला त्रिभुज भुला जाओ, दूसरा त्रिभुज जो है त्रिभुज ए डी सी, इसमें
इस कोण का योग इसका और इसका यक्षासी होगा। इसी तरह त्रिभुज ए ई डी में ये वाला ये जो हम बराबर का चिन्ह मारे हैं तो त्रिभुज ए ई डी के तीन अंतः कोण है, तो त्रिभुज ए ई डी के तीन अंतः कोणों का योग 180 ये हो गया इसका 180। अब इतना इतना ये कोण पूरा सब कोण आ गया है। देख लो तो इस पंचभुज के अंतः कोण में तीन भाग में बट गया तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 तो पूरा पंचभुज तीन त्रिभुज में बटा तो 180 इस त्रिभुज का 180 इसका 180 इसको तीन बार जोड़ेंगे 180 को तो तीन बार गुना कर देंगे 180 को तो 18 + 54 540 डिग्री होगा। 180 जोड़ करके इसका अर्थ हुआ पंचभुज ये तीन त्रिभुज में बट गया और इस तरह पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना तो 540 डिग्री। समझ रहे हो जी? तू लोग समझ रहा है झूठे हाँ में हाँ मिला रहा है? समझ रहा है समझ। तो ये हुआ। अब आओ फर्स्ट भुज पर। छह भुजाओं से घिरा क्षेत्र तो छह भुजा हुआ जी। एक दो तीन चार पाँच छह भुजाओं से घिरे क्षेत्र के अंतः कोणों का योग कितना होगा, यानी कोण इतना कोण बी कोण सी कोण डी कोण ई कोण एफ। तो ये कोण देखो कैसे कैसे बट रहा है। त्रिभुज बनाते जाओ, ए को सी से मिला दो एक त्रिभुज, ए को डी से मिलाओ दूसरा त्रिभुज, फिर इसको इससे मिला दो, कितना त्रिभुज बना? एक दो तीन चार, चार ठो त्रिभुज बना। तो पहला त्रिभुज जो ये है इसके अंतः कोणों का योग यानी इतना, देखो ये पूरा कोण इतना हो, इतना कोण आ गया त्रिभुज ए बी सी में आ गया ना, इतना का ये बड़ा ये वाला भाग जो है किस त्रिभुज में आ रहा है? त्रिभुज ए सी डी में आ रहा है ना। तो खैर पहले त्रिभुज का के तीन कोणों का योग 180 तीन अंतः कोणों का योग, फिर त्रिभुज ए सी डी का ये कोण तीन कोणों का योग 180 होगा जी। फिर त्रिभुज ए डी एफ के तीन कोणों का योग 180, फिर त्रिभुज एफ ई डी इसके तीन कोणों का योग 180। अब जोड़ लो कितना है 180, एक दो तीन चार, 180 को चार बार जोड़ोगे तो चार से गुना करोगे तो 18 × 72 720 डिग्री। इसका अर्थ हुआ खष्टभुज यानी छह भुजा से घिरे क्षेत्र के अंतः कोणों का योग 720 डिग्री होगा, होगा ना जी। इस तरह तू लोग चतुर्भुज पंचभुज और खष्टभुज तक का जाना जी। मान लो अब सीधे दस भुज का लेते हैं जी। दस भुजाओं से घिरे क्षेत्र के अंतः कोणों का योग कितना होगा? तो दस भुज का मतलब हुआ चलो पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, दस भुज तुरंत खींचा गया जी। इसको क्या पढ़ेंगे? दस भुजा से घिरा है ना,
इसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे कहते ना त्रिभुज एबीसी, या माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें क्या कहोगे? माना कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एक दशभुज है। तरीका समझ रहा है? इस दशभुज के अंतःकोणों का योग निकालना है। पहला अंतःकोण, दूसरा, तीसरा, कैसे अंतःकोण सब क्लियर है ना? दस भुजा से घिरा क्षेत्र है, इसीलिए दस अंतःकोण होगा। देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा। तो इसको तू फिर त्रिभुज में बांटो तो कैसे कैसे बांटोगे? इसको मिला देंगे इससे, पहला त्रिभुज इसको इससे मिला दो, दूसरा त्रिभुज है इससे मिला देंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखो पूरा पूरी त्रिभुज में बदल लोगे ना, भीतर से सब शीर्ष को एक दूसरे से, मतलब साइड वाला को मिलाते चलना है, तो कितना त्रिभुज बना? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, टोटल त्रिभुज आठ त्रिभुज। यानी एक दस भुज का तमाम कोण जो है आठ त्रिभुज के कोण में बदल गया। जैसे यही कोण लो, ये नहीं बदला, लेकिन ये जो कोण है, ये कोण, ये कोण ए दस भुज के लिए है ना, ये पूरा, इसमें देखो इतना कोण आ गया इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी बी में, और फिर ये कोण आ गया त्रिभुज ए सी जे में। तो इस तरह कितने त्रिभुज में? आठ त्रिभुज में बट गया। तो एक त्रिभुज पर बनेगा 180 डिग्री का कोण, यानी एक त्रिभुज के एक त्रिभुज पर कितना कोण? 180 डिग्री का। तो 10 आठ त्रिभुज पर, इसीलिए आठ त्रिभुज में टोटल कोण कितना? 180 डिग्री गुने आठ, इसको गुना करोगे 144 जीरो, 1447 डिग्री। यानी 10 भुज के अंतः कोणों का योग 1447 डिग्री होगा। तो त्रिभुज में बांट करके निकालेंगे जी। अब इस पर एक बात कॉमन है, जिसके आधार पर एक फॉर्मूला बनता है। मान लो अगर तुम लोगों को दिया जाए 20 भुज या 100 भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो आकृति खींच करके बनाया जा सकता है। लेकिन कितना बड़ा आकृति, कितनी बड़ी आकृति हो जाएगी 100 भुज, जो बोर्ड से भी थोड़ा चौड़ा जगह चाहिए। तो इसके लिए कैसे फार्मूला है तो देख लो। ये चतुर्भुज ए बी सी डी है जी। इसके अंतः कोणों का योग निकालना है। तो ये कितना भुजा है इसमें? चार। चार भुजा है, चतुर्भुज है, इसका मतलब चार भुजा है। इसके अंतः कोणों का योग निकालना है तो तुरंत दो त्रिभुज में बांट दो जी। तो पहले त्रिभुज का 180 डिग्री अंतः कोणों का योग, और दूसरे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। तो चार भुजा से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें कितना त्रिभुज बनेंगे? तो दो ठो बना, तो चार भुजा वाले में, चार भुजा वाले क्षेत्र में दो त्रिभुज बना। बनान जी, जी। अगर मान लो हम लोग पंचभुज की बात करें जी, ये पंचभुज है, यानी पांच भुजा वाला
आकृति है। पांच भुजा वाले आकृति में हम कितना त्रिभुज बना सकते हैं? तो तीन जी। पांच भुजा वाले आकृति में तीन त्रिभुज बनाएंगे और प्रत्येक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। तीनों को जोड़े थे तो निकला 540 डिग्री, निकला ना। तो पांच भुजा वाला क्षेत्र यानी पंचभुज, पांच भुजा वाला आकृति है तो कितना त्रिभुज में बटा? एक दो तीन में। तो ये तीन त्रिभुज में बटा। अगर मान लो हम लोग छह भुजा हुआ, पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो छह भुजा से घिरे क्षेत्र है ना, ये तो ये हो गया छह भुजा वाले क्षेत्र या आकृति। इसको कितना त्रिभुज में बांट सकते हैं? तो एक दो चार, एक दो तीन चार, चार त्रिभुज में, यानी छह भुजा वाले आकृति को हम चार त्रिभुज में बांट सकते हैं। अब आ जाओ सात भुजा वाले, सात भुजा है। सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात, इसको कितना त्रिभुज में बांट सकते हैं? त्रिभुज एक दो एक दो तीन चार पांच त्रिभुज, तो सात भुजा वाले आकृति को पांच त्रिभुज में बांट सकते हैं। एक उदाहरण और देते हैं तब निष्कर्ष निकल गया। मान लो आठ भुजा वाले, जी 1000 ना जी, आठ पूजा नहीं हुआ जी। पहली पूजा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं है ना। कितने त्रिभुज में? तो देखो, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, कितना हुआ? छह, दो तीन चार पाँच छह, तो ये छह त्रिभुज में बांट सकते हैं। ये तू लोग समझा जी। अब देखो, चार भुजा वाला तो चतुर्भुज होता है जी। तो मान लो ये चार भुजा वाला क्षेत्र है जी, तो चार में से दो घटाएंगे, दो तो दो होगा। जैसे चार भुजा वाले क्षेत्र में दो त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज में 180 डिग्री के कोण, तो दो त्रिभुज में 180 गुने दो जी,
360 होगा। किसी भी आकृति को चाहे जितनी भुजा से घिरी हो तो उसमें कितना त्रिभुज बनेगा, तो दो घटा देना है। चार भुजा वाले में चार में से दो घटाएंगे दो त्रिभुज बना, पांच भुजा वाले आकृति में पांच में से दो घटाओ तो तीन त्रिभुज बना, छह भुजा वाले आकृति में छह में से दो घटाओ चार, सात भुजा वाले आकृति में सात में से दो घटाओ पांच, इसी तरह आठ भुजा वाले आकृति में आठ में से दो घटाओ छह। तो इसका अर्थ ये हुआ, चार भुजा वाले त्रिभुज में, चार भुजा वाले आकृति में यानी चतुर्भुज में दो त्रिभुज का निर्माण होगा तो एक त्रिभुज पर 180 डिग्री का कोण, तो दो त्रिभुज पर 180 गुने दो 360 यानी चार भुजा से घिरे क्षेत्र को अगर हम त्रिभुज में बांटे तो कितने त्रिभुज में बटेगा, तो कितना भुजा तो चार, तो चार में से दो घटा दो तो दो त्रिभुज में, एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण तो दो त्रिभुज में 180 गुने दो 360 का होगा जी। तो ये चार भुजा वाले में यानी चतुर्भुज में 360 डिग्री का कोण हुआ। पांच भुजा वाले आकृति को हम 5-2 यानी तीन त्रिभुज में बांध सकते हैं जी। तो तीन त्रिभुज में तो एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण, इसीलिए तीन त्रिभुज में 180 डिग्री गुने तीन इतना डिग्री का कोण बनेगा जी। इसको गुना करेंगे तो 540 डिग्री जी। सीधे आओ, सात भुजा वाले आकृति में कितना त्रिभुज, तो सात में से दो घटा दो, जितना भुजा है ना उसमें से दो घटा दो उतना त्रिभुज बनेगा जी। एक त्रिभुज में 180 डिग्री, तो सात भुजा वाले आकृति में सात में से दो घटाए पांच, तो पांच त्रिभुज बनेगा जी। तो एक त्रिभुज में 180 डिग्री, तो पांच त्रिभुज में 180 डिग्री गुने पांच, तो 900 डिग्री, 180 को पांच से गुना करेंगे 900 होगा जी। इसका अर्थ ये है, अगर मान लो एन भुजा वाला कोई आकृति हो, एन भुजा वाले आकृति, एन भुजा वाले आकृति का अर्थ क्या हुआ, एन के जगह पर तू तीन रखोगे तो तीन भुजा वाला हो जाएगा आकृति यानी त्रिभुज, एन का मान चार लेंगे तो चार भुजा वाले आकृति चतुर्भुज, एन का मान पांच लेंगे तो पांच भुजा वाले आकृति पंचभुज कहलाएगा, एन का मान दस लेंगे तो दस भुजा वाले आकृति, तो चार भुजा वाले आकृति में कितना त्रिभुज बनेगा तो दो, यानी चार भुजा वाले में आकृति में 4-2 यानी दो त्रिभुज बनेगा, पांच भुजा वाले में 5-2 यानी तीन त्रिभुज बनेगा, इसी तरह छह भुजा वाले आकृति में 6-2 यानी चार त्रिभुज बनेगा, इसी तरह एन भुजा वाले आकृति में n-2 त्रिभुज बनेगा, एन में से तो दो नहीं घटेगा वेरिएबल है, एन भुजा वाले में n-2 त्रिभुज बनेगा, समझा जी। तो तू इसको समझ रहा है, एन भुजा वाले त्रिभुज में सॉरी एन भुजाओं से घिरे क्षेत्र में कितना त्रिभुज बनेगा, तो n-2 त्रिभुज बनेगा, निष्कर्ष निकला जी। सात भुजा वाले, n का मान सात है तो सात भुजा वाले आकृति में कितना त्रिभुज बनेगा, तो n का मान सात देंगे तो 7-2=5 त्रिभुज जी। एक जब ये पांच त्रिभुज बनेगा तो एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण, तो पांच त्रिभुज में पांच गुने 180 डिग्री का कोण बनेगा, पांच त्रिभुज में पांच गुने 180 बनेगा ना जी। उसी तरह n-2 त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनेगा, n-2 त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो एक त्रिभुज में 180 डिग्री, दो त्रिभुज में 180 गुने दो, तीन त्रिभुज में 180 गुने तीन
होगा ना, तो एन माइनस टू त्रिभुज में एन माइनस टू गुने 180 डिग्री का कोण, तो समझ रहा है जी? तू लोग समझा इस बात को जी। तो एन माइनस टू त्रिभुज में एन भुजा वाले आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो एन माइनस टू त्रिभुज बनेंगे। जैसे 20 भुज वाले आकृति में 20 माइनस दो त्रिभुज बनेंगे, 20 माइनस दो मतलब 18। तो इसी तरह एन भुजा वाले आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो एन माइनस टू त्रिभुज बनेंगे बनेंगे न जी। इसको हम लोग अब कैसे लिखेंगे, एन भुजाओं से एन भुजाओं से घिरे क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है समझो, एन भुजाओं से घिरे क्षेत्र में कितने त्रिभुज बनेंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो मान लो एन के जगह अगर चार है, तो चार भुजाओं में घिरे क्षेत्र में, चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो चार माइनस दो। एन का मान अगर पांच है, तो पांच भुजाओं से घिरे क्षेत्र में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो पांच माइनस दो। उसी तरह आओगे तो एन भुजाओं से घिरे क्षेत्र में कितने त्रिभुज बनेंगे, एन माइनस दो त्रिभुज। आंसर समझा किसे होगा जी। अगला क्वेश्चन, एन माइनस दो त्रिभुज है ना जी, क्योंकि एक त्रिभुज में 180 डिग्री के कोण होते हैं, कुल 180 डिग्री के कोण होते हैं, इसलिए दो त्रिभुज में 180 डिग्री गुने दो, तीन त्रिभुज में 180 डिग्री गुने तीन, एन माइनस दो त्रिभुज में कितना, एन माइनस दो गुने 180 डिग्री के कोण बनेंगे, बोलो जी। तो इसका अर्थ ये हुआ, एन भुजाओं से घिरे क्षेत्र में कितने त्रिभुज बनेंगे, आंसर है एन माइनस दो त्रिभुज। चूंकि एक त्रिभुज में 180 डिग्री के कोण होते हैं, इसीलिए एन माइनस दो त्रिभुज में एन माइनस दो गुने 180 डिग्री के कोण होंगे। तो एन भुजाओं से घिरे क्षेत्र में कुल कोण कितने बनेंगे, तो त्रिभुज में बांटेंगे तो एन माइनस टू त्रिभुज बनेगा, और एन माइनस टू त्रिभुज में कुल कोण एन माइनस टू गुने 180 डिग्री के कोण बनेंगे जी। ये एक फार्मूला हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अतः एन भुजाओं से घिरे क्षेत्र के कुल अंतः कोणों का योग कितना होगा, एन माइनस टू गुने 180 डिग्री होगा। इसको समझा तू लो जी, चलो उतार। तुम लोग के लिए यह फार्मूला हो गया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई समझ गया ना जी।
एन भुजाओं से घिरे क्षेत्र के अंतः कोणों का योग एन माइनस टू गुने 180 डिग्री। एन का मान अगर मान लो 3 लेते हैं, अगर एन बराबर 3, एन के जगह 3 रख दो तो 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र के अंतः कोणों का योग कितना होगा। एन का मान 3 लिए, यानी 3 भुजा तो त्रिभुज हो गया, तो 180 होना चाहिए ना जी। तो यहाँ पर एन का मान 3 माइनस 2 गुने 180 डिग्री, 3 में से 2 गया 1 गुने 180 बराबर 180 डिग्री जी। समझ रहा है तो जी। अगर एन का मान 4 ले तो ये अब चतुर्भुज हो गया, तो चतुर्भुज एन भुजाओं से, यानी एन का मान 4 ले तो 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र के अंत कोणों का योग कितना। एन का मान 4 तो 4 माइनस 2 गुने 180, तो 4 में से 2 गया 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 होता है जी। अगर एन का मान लो 1000 ले ले, 1000 भुजाओं से घिरे क्षेत्र के अंतः कोणों का योग कितना होगा। 1000 माइनस 2, 1000 में से 2 घटाएंगे तो कितना, 998 998 को 180 से गुना कर दो, अब कितना हो गया, ये 10 हुआ, 18 को 8 से गुना करेंगे 144 का 4 14, 98 हो गया 162, 14 176, 17 98 162 और 17 179 इक्काईस दहाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 179640 डिग्री का कोण इसमें बनेगा। 1000 भुजाओं से घिरे 1000 भुज में जी, 1000 भुज का मतलब 1000 भुजाओं से घिरा क्षेत्र, तो इसको तू लोग इस तरह याद रखेगा जी, समझ गया। तो अगले पार्ट में इसमें बतलाना था, ऊंचाई बतला दिए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अगले पार्ट में तुम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसकी परिमिति बतलाई जाएगी।